डालते हैं इसको पर एक आल पे, और इसी का इसी जैविक से ही आप 700 क्विंटल निकाल सकते हैं। इसमें हमने माइक्रो राइजा भी मिला रखा है, तो गोबर को और इसमें ठंडा किया। ठंडा करने के बाद इसकी एक फुट की लेआउट की, लेआउट करने के 200 लीटर पानी के ड्रम में इसमें 10 किलो गोबर और वो बेसन बेसन डाल के इस पे छिड़काव किया। 10 किलो गुड़ ना, गुड़ 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 गुड़, 10 किलो गोबर, 10 लीटर गौमूत्र, हाँ, और गुड़, 1 किलो गुड़, जी है ना, हाँ, और 1 किलो बेसन, बेसन बरगद की मिट्टी, 100 ग्राम मिट्टी जी, उसको इसमें किया। ये ठंडा होने के बाद इसमें केचुए छोड़ दिए और इसके ऊपर से माइक्रोराइजा भी डाला और डीकम्पोजिंग बैक्टीरिया। हाँ, तो इसके इसमें जब अपन इसको खाद नीचे डालेंगे ना, इसके इसको नीचे अगर अपन डालते हैं ना, तो इसमें कोई भी आप तत्व तो डालोगे वो जड़ों ही तक पहुंचाएगा इसको, फिर वो इसको पृथ्वी को नहीं खाने देगा, मिट्टी को नहीं खाएगा। उसको पौधा जितने भी पोषक तत्व है वो डायरेक्ट पौधे के पास जाएंगे। अगर आप इसके ऊपर रासायनिक भी डालोगे, डीएपी यूरिया या जिंक या सल्फर केमिकल डालोगे, तो वो भी उसको अंदर कहीं नहीं जान देगा, और माइक्रोराइजा उसमें इतना फोर्स करेगा तो वो सबको खींच तान को उसी को जल में देगा, उसको पोषक तत्व तो मिलेंगे सीधे। कितने दिन का हो गया? 40 दिन में, 40 से 45 दिन एकदम बिल्कुल मतलब एकदम चाय पत्ती जैसे, पानी नहीं है तो पानी सीने पड़ेगा, बाहर अगर तेज है तो पानी सीने पड़ेगा, फिर नमी बनाए रहो आप, पत्ती ढांक दो। तो ये करना कितना दिन का है? ये अप्रैल का माह का लगा है, आप लगा लीजिए। अप्रैल का गन्ना है, इनने मना किया था लगाने को मेरी तो बेबी ने, नहीं मैंने गन्ना तो मैं लगाऊंगा और अप्रैल भी लगाऊंगा और मेरा गन्ना बनाऊंगा मैं, चल मैंने काफी मेहनत की, 6-7 महीने का है।